हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉलीडे फूड्स। आज मैं आपके साथ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इजी पाइनएप्पल केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें हमने पाइनएप्पल केक को स्टेप बाय स्टेप बनाने का तरीका बताया है और कुछ टिप्स भी बताए हैं, तो आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमने 7 इंच का केक टिन लिया है और इसमें हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम ब्रश की हेल्प से पूरे केक टिन में लगाएंगे। अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो आप इसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसे केक टिन में अच्छी तरह से सेट कर देंगे और बटर पेपर में भी हम तेल लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर नोटबुक का वाइट पेपर ले सकते हैं। इस केक को आज हम बटर मिल्क से बनाएंगे। इसके लिए हमने 3/4 कप दूध लिया है। दूध रूम टेम्परेचर में होना चाहिए, दूध ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, इसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और हम 1 कप मैदा डालेंगे। 2 बड़ा चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे छानना ज़रूरी होता है, इससे केक सॉफ्ट बन के तैयार होता है। देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। 3/4 कप पाउडर शुगर लेंगे। यहाँ पर हमने जनरल शुगर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। 1/4 कप हम तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो आप वनीला एसेंस ले सकते हैं। देखिए, हमारा बटर मिल्क भी तैयार हो गया है। अब हम इस बटर मिल्क को इसमें डाल देंगे और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो ड्राई इन्ग्रीडियंट्स छान के रखा था उसे इसमें डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करके हमें एक लम्स फ्री बैटर तैयार करना है। देखिए, हमने बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब हम बैटर को केक टिन में डाल देंगे और इसे हम 1-2 बार इस तरह से टेप कर देंगे। हमने कढ़ाई को 10 मिनट पहले लो फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, ये प्रीहीट हो गया है। अब हम इसमें केक टिन को सावधानी पूर्वक रखेंगे और इसे कवर कर देंगे और इसे हम लो फ्लेम पर 45 से 50 मिनट के लिए बेक होने देंगे। और अगर आप इसे ओवन में बनाना चाहते हैं तो आप इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखिएगा। 50 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। हम इसके सेंटर में एक टूथपिक डालकर चेक करेंगे। देखिए, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। अगर आपका केक टूथपिक में चिपके तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए और बेक होने दीजिएगा। और अब हम इसे बिना ढके इसी में अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए, केक अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम एक नाइफ़ लेंगे और केक के साइड्स को इस तरह से अलग कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे पलट देंगे और टेप कर लेंगे और केक को डिमोल्ड कर लेंगे। अब हम बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। मैं आपको इस केक को दबा कर भी दिखाती हूँ कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बन के तैयार हुआ है और कितना ब्यूटीफुल कलर भी आया है। अब हम केक को 3 लेयर में काट लेंगे। हम टर्न टेबल को धीरे धीरे इस तरह से घुमाते जाएंगे और केक को काट लेंगे। आप इसे नॉर्मल नाइफ से भी काट सकते हैं। देखिए, केक कितना जालीदार बना है और कितना सॉफ्ट बना है। हम सेम प्रोसेस से दूसरी लेयर को भी काट लेंगे। अगर आप इसे धागे से काटना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिसमें मैंने केक को धागे से काटना बताया है। देखिए, हमने केक को 3 लेयर में काट लिया है। इस बर्तन को हमने फ्रीजर में 1/2 घंटे के लिए पलट के रख दिया था। ये बर्तन एकदम चिल्ड हो गया है। अब हम इसमें 1.5 कप चिल्ड व्हिपिंग क्रीम लेंगे
क्रीम एकदम ठंडा होना चाहिए, इसमें एक भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी क्रीम अच्छी तरह से तैयार नहीं होगी। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसे बीट करेंगे। इसे हमें शुरू में लो स्पीड पर बीट करना है, उसके बाद धीरे धीरे हम इसका स्पीड बढ़ाते जाएंगे और इसे हम तब तक बीट करेंगे जब तक इसमें स्टिफ पिक्स नहीं बनने लगे। इसे बीट करने में लगभग 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। आप इसे हैंड मिक्सर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए इस तरह का इसमें स्टिफ पिक्स बनना चाहिए। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरह का स्टिफ पिक्स बनना चाहिए। क्रीम तैयार है। अब हम इस तरह का एक पाइपिंग बैग लेंगे और एक ग्लास लेंगे और पाइपिंग बैग को ग्लास में अच्छी तरह से सेट कर देंगे और पाइपिंग बैग में हम क्रीम भरेंगे। क्रीम पाइपिंग बैग में हमें अच्छी तरह से भर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको भर लेना है। फ्लावर बनाने के लिए हम N1 नोजल को पाइपिंग बैग में इस तरह से डाल लेंगे और इसमें हम एक ड्रॉप येलो जेल कलर डालेंगे और इसे हम पाइपिंग बैग में इस तरह से लगा लेंगे। इससे बहुत ही ब्यूटीफुल सा 2 कलर का फ्लावर बनके तैयार होगा। अब हम इस पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेंगे। देखिए हमने पाइपिंग बैग में क्रीम भर लिया है। अब हम केक बोर्ड में थोड़ा सा क्रीम लगाएंगे और इसमें हम केक की पहली लेयर रखेंगे और अब हम इसे शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए हमने 3/4 कप पानी लिया है और इसमें 2 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर डाला है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम केक में क्रीम की लेयर लगाएंगे। अब हम क्रीम को प्लेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच पाइनएप्पल क्रश डालेंगे और इसे प्लेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसमें 2nd लेयर रखेंगे। मैं आपको केक बनाने के लिए कुछ टिप्स भी बता रही हूँ। जब आप केक को बेक होने के लिए रखिएगा तो आप उसे 30 मिनट से पहले कभी भी खोलकर नहीं चेक कीजिएगा और बार बार भी उसे खोलकर नहीं चेक करना है। 30 मिनट के बाद आप उसे खोलकर चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका केक सॉफ्ट और फूला फूला नहीं बनेगा। और आपको कढ़ाई को भी 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख देना है। जब आप बैटर तैयार कर रहे हों तभी आप कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दीजिएगा। और क्रीम बनाते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्रीम तैयार करें तो उसमें एक भी आइस क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। और आप जिस बर्तन में क्रीम बनाएं उसे आप आधे घंटे पहले ही फ्रीजर में पलट के रख दीजिएगा, जिससे बर्तन अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। और आप जब क्रीम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो आप उसे फ्रीज़र में रखिएगा। और अगर आपको कल केक बनाना है तो आप उसे रात में ही फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे उसमें एक भी आइस क्रिस्टल नहीं रहेंगे। देखिए हमने केक के टॉप और साइड्स को क्रीम से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। अब हम इसे प्लेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे। आप इसे स्केल से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम केक के साइड को स्क्रैपर से स्प्रेड कर देंगे। आप इसकी जगह पर एक्सपायर्ड ATM कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकचेक वाले स्क्रैपर से हम साइड में डिज़ाइन बना लेंगे। अब ये जो क्रीम निकला है इसे हम प्लेट नाइफ से इस तरह से अंदर की तरफ खींचते जाएंगे और हर बार हमें प्लेट नाइफ को क्लीन भी करते जाना है, इससे आइसिंग की फिनिशिंग अच्छी होगी। देखिए हमने केक की फिनिशिंग अच्छी तरह से कर ली है। अब हम इस केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे हम 3 चम्मच न्यूट्रल जेल ले रहे हैं, ये आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए ये भी थोड़ा सा थिक लग रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच पानी मिलाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाइएगा। देखिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, जब आप इसे गिराएं तो इस तरह से गिरनी चाहिए। अब हम इसमें 1 ड्रॉप येलो जेल कलर डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसे हम एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे। अब हम केक के किनारे इस तरह से ड्रिप्स बनाते जाएंगे। हमें एक ही किनारे में इस तरह से ड्रिप्स बनाना है। बिल्कुल आप भी इसी तरह से ड्रिप्स बना लीजिएगा और इसे प्लेट नाइफ से हल्का सा स्प्रेड कर दीजिएगा।
अब हम एक टूथपिक लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ खींचते जाएंगे, इससे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन जाता है। आपको हल्का हल्का खींचना है, देखिए कितना ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन गया है। अब हम इसमें फ्लावर बनाएंगे। इस तरह की यूनिक और इजी रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाएगी। आपको मेरे चैनल पर बहुत तरह के केक की रेसिपी देखने को मिल जाएंगे। आपको एगलेस और विथ एग दोनों तरह के केक की रेसिपी देखने को मिल जाएंगे मेरे चैनल में। आप मेरे चॉकलेट ट्रफल केक को और ब्लैक फॉरेस्ट केक को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और केक बनाते समय अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। टॉप में भी हम इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लेंगे। यहाँ पे मैं इसे एडिबल पर्ल से डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार केक को डेकोरेट कर सकते हैं, डेकोरेशन आपके अपने हाथ में है, आपको जैसा पसंद हो आप उस तरह से अपने केक को डेकोरेट कीजिए। देखिए हमारा मोस्ट ब्यूटीफुल पाइनएप्पल केक बनके तैयार है और यकीन मानिए ये केक खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस केक को किसी के भी बर्थडे या ओकेशन में बना सकते हैं और इस केक को बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने आपको सारे टिप्स बताए हैं, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।